श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शको हर हर महादेव। चावल के सात दाने जल के पात्र में डाल लीजिए और मात्र पांच पुष्प सफेद जल के पात्र में डाल लीजिए। दुर्वा के तीन वट, एक लंबी सी, यहां तो अभी दुर्वा नहीं है, पर एक लंबी सी जो दुर्वा होती है, दुर्वा में तीन गांठ पड़े, लंबी डंडी होगी तो तीन गांठ अपने आप आ जाएगी, तीन बट वाली दुर्वा उस जल के अंदर डाल लीजिए और शंकर के मंदिर में जाकर उस जल को समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करना है, ये वाला जो जल चढ़ाएंगे आप शंकर को, जैसे शिवलिंग सामने है और जल का पात्र अपने हाथ में है तो उल्टा जल चढ़ाएंगे, ऐसे आपकी ओर मुख करा हुआ कलश भगवान शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे उल्टा के बाद, इस तरह से, ऐसे नहीं चढ़ाना उसको, इस तरह से चढ़ाना अपनी। मात्र 15 से 20 मिनट में जिसकी चित्त वृत्ति भ्रमती नहीं हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने सुना कि पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। दर्शकों, दूसरा उपाय है, यदि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बन पा रही, नौकरी व्यापार नहीं चल रहा है, तो मात्र एक समी के पुष्प से आप यह विशेष उपाय जरूर करिएगा। यह उपाय दर्शकों आप मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा या किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक समी का आपको पुष्प लेना है और एक लोटा जल लेके चले जाइएगा महादेव के मंदिर में। एक लोटा जल आप महादेव के मंदिर में जब समर्पित करें तो सर्वप्रथम गणेश जी के स्थान पर, दूसरा भगवान कार्तिकेय, तीसरा देवी अशोक सुंदरी और चौथा माता पार्वती के कटी भाग पे, और बाकी का पूरा बचा हुआ जल आप महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करें। उसके बाद आप अपनी कामना करते हुए उसी समी के पुष्प को महादेव की शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिएगा। यह उपाय आप लगातार 4 से 5 दिन, 5 प्रदोष या पूर्णिमा या अमावस्या करके देखिएगा। आपके कार्यों में सफलता होगी, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।